आज द जॉन एंकरबर्ग शो में परमेश्वर ने सटीक भविष्यवाणी दी सैकड़ों साल पहले ही उस खास व्यक्ति के बारे में जिसे वो पृथ्वी पर भेजने वाला था जिसे मसीहा कहेंगे। परमेश्वर ने कौन सी सटीक भविष्यवाणी दी थी? हिब्रू वचन में वो कहाँ पाए जाते हैं? जिन यहूदी लोगों को भविष्यवाणी दी गई थी क्या उन्होंने जाना कि उन्हें विशेष प्रतिज्ञाएं दी गई है जो आने वाले मसीहा के बारे में दर्शाती है। इस सीरीज में हम देखेंगे 16 भविष्यवाणियां जो यहूदी लोगों को दी गई थी, आदम से अब्राहम तक, मूसा से दाऊद तक, यशया से दानियल और जकरिया तक। हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है, ये साबित करती है कि यीशु ही परमेश्वर का मसीहा है। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर वॉल्टर काइजर, ये एक थियोलॉजियन है, बिब्लिकल स्कॉलर है, हिब्रू वचन में आज अमेरिका में। डॉक्टर काइजर प्रेसिडेंट इमेरिटस और अद्भुत प्रोफेसर हैं पुराने नियम के गॉर्डन कॉनवेल थियोलॉजिकल सेमिनरी में हैमिल्टन मैसाचुसेट्स में। और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर डेरिल बॉक, ये एक लीडिंग थियोलॉजियन और बाइबल के विद्वान हैं नए नियम के वचनों पर। ये सीनियर रिसर्च प्रोफेसर हैं नए नियम के स्टडी में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कल्चरल एंगेजमेंट डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी डेलस टेक्सास में। हमारे साथ जुड़ जाएं इस खास एडिशन द जॉन एंकरबर्ग शो में। आज के प्रोग्राम में स्वागत है। हम बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इतिहास में सबूत है कि परमेश्वर ने सटीक भविष्यवाणी की सैकड़ों साल पहले ही, कुछ तो हजारों साल पहले की है, उस अद्भुत व्यक्ति के बारे में जो पृथ्वी पर वो भेजने वाला था जिसका नाम मसीहा था? कौन सी सटीक बातें दी गई हैं जो पाई जाती है? और क्या यहूदी लोग जिन्हें जानकारी दी गई थी क्या उन्होंने जाना कि उन्हें खास जानकारी दी गई है, खास प्रतिज्ञाएं दी गई हैं जो भविष्य के व्यक्ति के बारे में बताती हैं? हमारे साथ अद्भुत मेहमान हैं डॉक्टर वॉल्टर काइजर, आपने अभी सुना है, यह प्रेसिडेंट एमेरिटस और स्पेशल प्रोफेसर है पुराने नियम में गॉर्डन कॉनवेल थियोलॉजिकल सेमिनरी में हैमिल्टन मैसाचुसेट्स में। इन्होंने 40 बड़ी किताबें लिखी हैं। और डॉक्टर डेरिल बॉक सीनियर रिसर्च प्रोफेसर ऑफ न्यू टेस्टमेंट स्टडीज के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कल्चरल एंगेजमेंट डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी डेलस टेक्सास में। इन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरशिप इन लोगों को जानती हैं। और मैं बहुत ही खुश हूं कि ये आज हमारे शो में आए हैं और ये हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ये मुश्किल चीज़ों को लेकर बताते हैं। देखिए, यही तो हम चाहते हैं। और आज हम शुरू करेंगे मसीहा शब्द की परिभाषा से। इसका क्या अर्थ है डॉक्टर काइजर? खैर जॉन, यहाँ आना सौभाग्य है। मसीहा एक महान शब्द है जो अभिषिक्त के बारे में कहता है। वहाँ अभिषिक्त याजक थे, अभिषिक्त भविष्यवक्ता थे, अभिषिक्त राजा थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो अभिषिक्त व्यक्ति था जो मसीहा के रूप में आया, वो स्वयं प्रभु यीशु था। और यहूदी लेखों में ये बताता है तनाक में, यानी पुराने नियम में, उन्होंने पाया कि 500 से ज़्यादा वचन का भाग वो दावा करते हैं कि ये मैसियानिक है। प्रोटेस्टेंट समाज में हम देख सकते हैं 125 सीधी भविष्यवाणी इस अभिषिक्त के बारे में जो मसीहा है। ठीक है, अब हम पुराने नियम में हैं। इसका नियम यही है कि आप डाटा को कैसे जांचते हैं, उस डाटा को, ठीक है? और इसका भाग है कि आपने खुद इसका अनुमान लगाया है, ये सच में क्या कहता है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। आपके पास ऐतिहासिक परिस्थिति है जहां लोग इसे सुन रहे हैं, उन लोगों ने क्या सोचा जब उन्होंने इसे सुना? और फिर इतिहास जिसे हम सच में देख सकते हैं, इन बातों का विवरण देख सकते हैं। अपने नियम बताइए और फिर मैं डेरिल से भी पूछूंगा। 3 महत्वपूर्ण पल है इन हर एक अनुमान में जो इन्होंने सोचा था। पहला है समय के पहले प्रतिज्ञा दी गई थी, और फिर जरिया है, ऐतिहासिक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसे युगों से जीवित रखा, और फिर है इसका पूरा होना। यानी हमारे पास कम से कम 3 मुख्य बातें हैं कि हम उस पर दृष्टि रखें। और 29 किताबें तनाक की, यानी पुराने नियम की, यही है। आप क्या कहेंगे डेरिल?
यहाँ पर मुख्य बात यही है, यानी इन भविष्यवाणियों के बारे में दो तरह से सोच सकते हैं। यानी ये सीधा अनुमान है, यीशु सीधा बताता है भविष्य की परिस्थिति के बारे में, और कहें तो एक ही लक्ष्य था। लेकिन दूसरे को हम पैटर्न या मिरर भविष्यवाणी, जिसके लिए शब्द है टॉपोलॉजी, के पीछे का विचार है कि कुछ समय की घटनाएं, जहां ये दिखता है कि ये अंत में केवल थोड़े समय की घटनाएं जो धुंधली या धीमी ज्योति हैं, और जैसे ये अंत में पूरी होती है तो बड़ी ज्योति होती है। और ये तरीका बहुत जरूरी है, और ये बताता है कि हम असली बात की ओर पहुंच रहे हैं। मुझे हर एक के लिए दो उदाहरण दीजिए। जी, सीधी भविष्यवाणी, यानी सीधी भविष्यवाणी मनुष्य के पुत्र का चित्र देती है कि वो बादलों पर सवार होकर आएगा, जो स्वर्ग से सबसे प्राचीन है। ये तो सीधे रूप में भविष्यवाणी में बताना है कि परमेश्वर का इस व्यक्ति पर अधिकार होगा, जिसे हम दानियल में देखेंगे। जी बिल्कुल, ये दानियल 7 में है, और दूसरे वचनों की गिनती नहीं है। निर्गमन और नया निर्गमन तो लगभग समान है, और उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो मसीह के पहले आएगा। यशाया के बारे में अनुमान लगाया गया है कि वो अपने समय मार्ग सीधा करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के समय मार्ग सीधा करने वाला व्यक्ति था। दोनों ने निर्गमन के चित्र का उपयोग किया। ठीक है, अब लोग जो घर से सुन रहे हैं, मैं इसे बहुत ही सरल बनाना चाहता हूँ कि आप इसे समझ सके। हमने लगभग 16-17 भविष्यवाणी रखी है, जिसे हम सच में स्क्रीन पर देखेंगे, और आज ही हम सब नहीं देख पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि कैसे हम कदम 1, कदम 2, कदम 3 देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी केस रखी है मसीहा के लिए, यानी पुराने नियम में। ये तो भेद से भरे व्यक्ति के लिए क्लू है। वो रहस्य का व्यक्ति था जिसके ओर परमेश्वर भविष्य में बता रहा है। यह आदमी है क्लू 1, क्लू 2, दो क्लू तो मुश्किल है, लेकिन इसे जितना सटीकता से देखे, जितना ज्यादा जानकारी पाएंगे, उतना जानेंगे कि इसे जानना चूकना नहीं चाहेंगे। इसलिए अब पहला देखते हैं डॉक्टर काइजर। पहली प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15 में है, और वो ये कहती है, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता लाऊंगा, परमेश्वर यहां पर कह रहा है, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच शत्रुता लाऊंगा। और फिर ये कहता है कि वो तेरा सिर कुछ लेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी, इसे समझाइए। ठीक है जॉन, ये महान प्रतिज्ञा है, क्योंकि शुरू से ही आदम और हव्वा ने वाटिका में पाप करने के बाद यही प्रभु बचाव की योजना बना रहा था उद्धार के लिए। तो वो कहता है, मैं परमेश्वर शत्रुता रखूंगा, दुश्मनी रखूंगा तुम्हारे यानी सर्प और स्त्री के बीच, यानी तुम जो सांप हो और स्त्री में, यानी नंबर 2। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो कहता है कि सर्प के वश और स्त्री के बीच में, और फिर अचानक ये बीच बताया गया है, और स्त्री का बेटा, हिब्रू वचन कहता है नंबर 1 सर्प तो उसकी एडी को डसेगा, लेकिन वो पुत्र जो है वो सर्प का सिर कुचलेगा। यानी हमें शुरू से ही यही बताया गया है। प्रोटो एवेंगेलियम में ये सुसमाचार की खुशखबर की पहली घोषणा थी, और वो है कि ये मसीह ही जयवंत होगा इस पूरे इतिहास में। आप क्या कहेंगे? ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से वचन लिखे गए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है उसे हम कहते हैं पतन का शाप, ये शुरू से है। परमेश्वर आज्ञा भंग करने के परिणाम, जहाँ पहले बहुत सुंदर वाटिका थी, जब अचानक उसमें तनाव आता है, और आने वाले तनाव के साथ परिणाम होता है। सर्प तो शुरू से जमीन पर रेंगने वाला नहीं था, तो खड़ा होता है, यानी जब वो नीचे जमीन पर आया शाप के कारण, तो ये लड़ने को दर्शाता है। ये उस लड़ाई के कारण हुआ जो अब तनाव के कारण आया था, जहां मनुष्य जाति इस सर्प को चुनौती देती है, और ये एक दूसरे से लड़ते हैं। जब हम सर्प से जमीन पर लड़ते हैं, तो हम एड़ी से जिसका सिर कुचलना चाहते हैं, और वो हमारी एड़ी को डसना चाहता है। यानी इसके पीछे यही चित्र है, ये मतभेद जो शाप का भाग है, और इसका परिणाम तो यही है कि हम विजयी पाएंगे, जो यहाँ बताई गई है। हव्वा को जब पहला बेटा हुआ, उसका भी इससे कोई संबंध है ना?
जी, अध्याय 4 में यहाँ पर उत्पत्ति में ये कहता है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, यानी ये शारीरिक रूप में था, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यही कैन का अर्थ है, क्योंकि उसने कहा, और हिब्रू में इसका अर्थ है यहाँ तक प्रभु पाया, यानी उसके अंदर से वो उस मसीहा की राह देख रही थी, यानी वो पुत्र पाया, लेकिन वो समय बुरा था, बहुत गलत समय था। ठीक है, अब हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर हम दूसरा देखेंगे। नूह ने किसके बारे में कहा जब उसने कहा कि उसके बेटे शेम के तंबू में वास करेगा? ठीक है, यह अद्भुत है। याद रखिए, हम एक केस बना रहे हैं, यानी क्लू नंबर 1 है स्त्री का बेटा जो शैतान को एक दिन कुचलने वाला था। हम इसे आगे देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। हम लौट आए, हम चर्चा कर रहे हैं मैसानिक भविष्यवाणी पर। पुराने नियम से क्या इसके बारे में सबूत है, उस आने वाले के बारे में, खासकर यीशु के बारे में, कि वो मसीहा है। हम केस बना रहे हैं, हमने देखा क्लू नंबर 1, पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 से। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा परमेश्वर इतिहास में सक्रिय है और नूह अपने पुत्रों के बारे में कुछ जानकारी देता है। यह है हाम, शेम और यपेत जो उसके साथ जहाज से बाहर आए थे, और जब नूह मृत्यु के निकट था उन सबको लाता है और वो उनसे कहता है ये शेम के बारे में, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। और वही यही तो सवाल है कि वो कौन है, कि वही शेम के तंबू में वास करे और कनान उनका दास हो। आप इसका अर्थ बताइए डॉक्टर काइजर। जी, ये दूसरी महान प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी बाइबल के शुरू के भागों में, और वो यहाँ दूसरे वाक्य में, यानी स्वयं परमेश्वर एलोहिम यपेत के वंश को फैलाए, लेकिन अब वो वादा करता है कि मैं पवित्र और अनंत काल का परमेश्वर, मैं आऊँगा और मैं तंबुओं में वास करूँगा, शेम के तंबुओं में वास करूँगा। यानी वो जानता है कि वो हमें पात्र के रूप में उपयोग करेगा लोगों के लिए। सिमेटिक लोगों को हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया और वो आकर वास करेगा। ये तो यूहन्ना 1:14 के जैसे ही है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य डेरा किया। ये उसी तरह की बात यहाँ हम देखते हैं, ये एक महान प्रतिज्ञा है जॉन। जी डेरल, बात तो ये है कि जब लोग इन बातों को ले रहे थे, हम आदम और हवा के बारे में सोचते हैं, वो पहले थे, ठीक है, और फिर नूह है, और फिर इसमें हम जोड़ते जाते हैं, और प्यारे लोग घर में ये सब सुन रहे हैं, ये बातें जो कही गई है कि परमेश्वर पुत्रों के लिए करेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण था, और इनमें से कुछ चीजें भविष्य में जाती है। उस समय के लोगों ने इस बात के बारे में क्या सोचा था? जी, कुछ केस में तो लोग भूल गए हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो मानो शुरू से पहेली जैसा था, यानी 1000 भाग में से केवल 2 या 3 भाग ही टेबल पर हैं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, और केवल जब दूसरे भाग जोड़ूंगा तब प्रकाशन पाऊंगा, ओ सच में ये इस बारे में है। यानी कई बार ये भविष्यवाणी दी गई और हम नहीं समझते, हम नहीं जानते कि ये कैसे फिट होगा। जैसे कहानी शुरू होती है और हम वापस जाते हैं उन कुछ रिव्यू में, और फिर हम जानते हैं, यानी जितना आगे बढ़ें उतना जानेंगे। ठीक है, अब हम बहुत ही जल्दी से देखेंगे इब्राहिम को, जो हमारा अगला व्यक्ति है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर वचन देखते हैं। परमेश्वर ने 8 प्रतिज्ञाएं की यहाँ शुरू से ही इब्राहिम के साथ। उसने कहा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष होगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। फिर वो देश के बारे में भी प्रतिज्ञा करता है, लेकिन हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि केवल यही प्रतिज्ञा ही नहीं, लेकिन उत्पत्ति 22:18 में भी, जिसे नए नियम में कई बार कहा गया है, तेरे वंश के कारण प्रभु कहता है,
पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएगी। इसे जरा आप समझाइए वाल्टर। जी, यहाँ हमने जैकपॉट पाया है। यहीं पर सारी चीज एक साथ आती है और परमेश्वर इसे बता रहा था उत्पत्ति 3:15 से, उत्पत्ति 9:27 में और अब उत्पत्ति 12 में, और चार बार यानी पांच बार उसने सब में मुख्य बात रखी थी इब्राहिम की प्रतिज्ञा। यानी ये किस बारे में था? ये हिब्रू में है और उसने इब्राहिम से कहा कि वो उसका नाम महान करेगा, और वो उसे क्यों करेगा? इसी उद्देश्य के लिए कि तेरे वंश में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये पैसिव है, ये कहता है कि ये पैसिव, पांच में से तीन बार वो पैसिव हिब्रू शब्द उपयोग करता है, और पूरे नए नियम में ये पैसिव है आशीषित हो। वो खुद को आशीष देने वाला था, लेकिन वो उसका जरिया था, इसका माध्यम था। यानी सारा संसार कैसे जानेगा इस मसीहा के बारे में? ये तो इस चिन्ह द्वारा होगा। और नए नियम के वचन में भी देखिए, ये भी पैसिव है। यानी ये एक महान वाक्य था। यहाँ ये योजना चल रही थी और वो कहता है, मैंने अपना जन चुन लिया, मैंने अपने लोग चुन लिए, मैंने उन्हें चुन लिया और मैं चाहता हूँ कि यही करे। मैं उन्हें महान नाम दूंगा, उनका नाम होगा समान होगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं है, ये तो पूरे संसार के लाभ के लिए है, और ये दर्शन का एक भाग है। ये तो पूरा मिशन था जो परमेश्वर चाहता था कि वो करे इस सारी पृथ्वी के लिए। जरा बताइए, बीज जो एक वचन है और अनेक वचन बीज के बारे में। जी, यहाँ फिर कहानी दिलचस्प होती है। जैसे आदम के साथ हुई थी, हमें मनुष्य जाति का चित्र मिलता है और ये विजय दिखाता है। एक देश का चित्र है जो किसी खास व्यक्ति में से आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम ये विचार देखते हैं कि मेरे पास बीज की प्रतिज्ञा है, लेकिन बाद में इस वचन में हम बीज का विवरण देखते हैं, तुम समुंदर की रेत जैसे होगे, तुम आकाश के तारों जैसे होंगे। यानी यहाँ बीज बहुगुणित होता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि वंश एक देश बनाता है और देश के द्वारा संसार आशीष पाएगा, लेकिन इसी समय इन सारी संख्या के बीच हम देखते हैं कि खास कर बताया है, यानी हम देखते हैं इसहाक और याकूब, ऐसे लोग नहीं जैसे एलियजर और इस्माइल और ईसा। यानी कुछ लोगों का ट्रैक है और दूसरे लोगों का ट्रैक नहीं है। यानी हम इसे सकरा करते हैं, यानी सारी मनुष्य जाति से हम आए, शेम की संतान, फिर इब्राहिम तक, फिर इब्राहिम और उसका परिवार। ये बीज एक देश होगा, लेकिन साथ ही ये बीज उनमें भी होगा। वाल्टर, हमें बताइए कि कैसे प्रेरित पौलुस ने यही वचन लिया था गलातियों 3:16 में। वचन कहता है, जब प्रतिज्ञाएं अब्राहम और उसके वंश को दी गई है, वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय कि तेरे वंश को, और वो मसीहा है। इसे जरा बताइए। जी, यही सटीक बात थी और पौलुस इसे जानता था और वो चाहता था कि यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग समझ ले कि जब वो इस वंश के बारे में कहता है, उसका अर्थ एक से था। अब अवश्य ही बीज कलेक्टिव है, इसका अर्थ बहुत से बीज भी है, लेकिन ये सब के बारे में नहीं है। लेकिन वो इसी अध्याय के अंत में गलतियों में, यदि तुम विश्वास करो तो तुम इब्राहिम के वंश हो, यानी फिर से ये बहुत से सबूत है। लेकिन सच तो ये है कि सारे समूह का प्रतिनिधि और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु है। यानी वो जानबूझकर ये कलेक्टिव आइडिया उपयोग करता है कि एक और बहुत से है। और यदि हम इसे समझ लें, यानी एक बात समझ लें जिसे लेखक उत्पत्ति में बताते हैं, और पत्रियों के लेखक भी इसे जरूर बताते हैं। जी, हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सच में बहुत ही अद्भुत है। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत है जब हम इसे देखते हैं। परमेश्वर इतिहास में जुड़ता है और आगे बढ़ते हुए जानकारी देता है जो उस समय जीने वाले लोगों पर प्रभाव डालता है और भविष्य के बारे में भी बताता है। अब
वाल्टर हम चर्चा कर रहे थे उसके वंश से की गई प्रतिज्ञा। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये यीशु मसीह के बारे में है जो कि पूरे संसार को बचाने वाला है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने और भी प्रतिज्ञाएं की हैं अब्राहम से, और चलिए इसे पढ़ते हैं। वो कहता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, ये उसका नाम था, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब ये बड़ी बात है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। और अचानक परमेश्वर नई बात कहता है, और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। ये किसके बारे में है? जी, ये मसीहा का एक और गुण है, उत्पत्ति 3 में उसके मनुष्य होने के बारे में है, पहली प्रतिज्ञा। और यहाँ वो स्वर्ग से मनुष्य के बीच डेरा करने के लिए आता है, उसका अलौकिक होना और फिर मनुष्यों को संसार के सब लोगों की सेवा के लिए बुलाता है कि वे भी आशीष पाएं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मसीहा अधिकारी और राजा हो जाएगा, सारी पृथ्वी पर अधिकारी होगा कि सब पर राज्य करे। तो वो प्रतिज्ञा देता है और पहले से ही याकूब के द्वारा ये और भी दर्शाता है कि यहाँ मसीहा का राजा आता है, वो मसीहा होगा और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वंशों के बारे में परमेश्वर इसे और घटाते जाता है कि वो खास कहाँ से आएगा, इसके बारे में बताइए कैसे घटाते जाता है। जी, वो इसे घटाते जाता है, और इस केस में अब्राहम से उसका बेटा इसहाक और फिर उसका बेटा याकूब, ये हमें पुरखाओं के समय का 250 साल का समय बताता है जिन्हें पेट्रियार्क कहते हैं। और हम यहाँ ये कहानी देखते हैं कि कैसे मसीहा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा और ईश्वरों का परमेश्वर होगा। जी, परमेश्वर ने याकूब और इसहाक से प्रतिज्ञा की थी कि वो आशीष पाएंगे और ये बीज उनके द्वारा आएगा, और परमेश्वर प्रतिज्ञा थामे रहेगा। यही अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए था। और याकूब से वो राजाओं के बारे में इस तरह से कहता है कि राजा तुझ में से आएंगे। यानी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है, राजा यानी इसके बारे में और ज्यादा नहीं जानते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे डेरेक? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ राजा आएगा शब्द है। हम एक राजा के बारे में नहीं कह रहे हैं, यानी केवल एक नहीं, हम पीढ़ी या राजपाट के बारे में कह रहे हैं। ऐसे राज्य करने वाले होंगे जहाँ जिनके द्वारा परमेश्वर काम करने वाला है, और फिर ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। कह सकते हैं कि इसीलिए ये आने वाला है। ये महत्वपूर्ण है कि जैसे हम इस कहानी में देख सकते हैं, यहाँ ये घटते हुए जाता है और इन लोगों की श्रृंखला में से एक खास व्यक्तित्व आता है जिसमें हम जुड़ जाएंगे। इसीलिए बाइबल की कहानी इतनी अद्भुत है। यानी ऐसा समय होता है जहाँ राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा आता है, जो उसमें से नहीं मिलता है, और वो अवश्य ही ये इस व्यक्तित्व से नहीं मिलता है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं देता है। तो हम और देखते हैं और राह देखते हैं। डेरल, इसका सारांश बताइए जो आज हमने सुना है, और भविष्य में हम क्या देखने वाले हैं, यानी वचन हमें कहाँ ले जाते हैं, ये सारांश जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। धरती लोगों से भरी है, करोड़ों और करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन समय में इन करोड़ों करोड़ों लोगों में वो एक है जिसके इर्द गिर्द परमेश्वर की कहानी चलती है, और वही इस प्रतिज्ञा की बात है। बहुत में से हम एक पर आते हैं, बाकी सबसे एक ही रहता है। उस एक में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा और प्रोग्राम रखा है। ये एक है जिसमें जीवन की सारी बातें हैं। बहुत में से एक है, जीवन के बीच बहुत से हैं, लेकिन वो एक ही जीवन है। यानी बात तो ये है, हम उस जीवन की ओर आते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, इस खास व्यक्ति ने जो दिया है उसका अनुभव करने द्वारा। जी देखिए लोगों, हम मार्क कर रहे हैं प्रतिज्ञाएं, भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने दी है इन 2000 साल के दौरान, जो आखिर में मिस्टर एक्स की ओर लाती है। ये तो यीशु मसीह है। परमेश्वर कहता है इसे मत चूको। जैसे आप ये प्रोग्राम देखते हैं, इन हफ्तों में से देखते हैं, मैं चाहता हूं आप खुद से पूछे, क्या ये सबूत आपके लिए काफी हैं कि यीशु ही वो है जिसे परमेश्वर ने संसार में भेजा? और यदि वो है तो आपको उसके साथ कुछ करना होगा। आपको अपना विश्वास और भरोसा रखना होगा उस पर जो आपके पाप माफ कर सकता है,
और जैसे वो चाहता है वैसे जीने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। अब अगले हफ्ते दो और अद्भुत भविष्यवाणी देखेंगे। दाऊद का प्रभु कौन है, भजन संहिता 110 वचन 1 में। और मूसा जैसा भविष्यवक्ता कौन है, प्रभु ने कहा कि वो इस संसार में आएगा और तुम्हें उसके सुनना होगा, नहीं तो मैं तुमसे लेखा लूंगा, व्यवस्था विवरण 18 में। यह अद्भुत होगा। हमारे अगले प्रोग्राम में आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने इस प्रोग्राम का आनंद उठाया, इन दो विद्वानों से सुना, डॉक्टर वॉल्टर काइजर और डॉक्टर डेरिल बॉक्स से। जैसे ही हमें 16 भविष्यवाणी बताते हैं जो साबित करती कि यीशु ही मसीहा है, और मैं इसे अद्भुत देखता हूँ कि परमेश्वर ने कितने स्पष्ट रूप में हमें ये बताया है और कैसे पुराने नियम को उसने बहुत ही सटीक रूप में भविष्यवाणियों से भर दिया है। सैकड़ों सालों में बहुत से लोगों के द्वारा जो सिद्धता से यीशु के बारे में बताते हैं, और जैसे इसमें से कुछ आज हमने देखे हैं, मैं जानता हूँ ये आपके विश्वास को मजबूत करता है कि आप जाने कि यीशु परमेश्वर का प्रतिज्ञा का मसीहा है जो इस संसार में आपके पापों से बचाने के लिए आया है और सदा के लिए राज्य करने वापस आएगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो सवाल करते हैं कि क्या यीशु जो कहता है सच में वो है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप ये सीरीज उनके साथ बांटें। इसे आप हमारी ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ये आपकी मदद करता है कि आप हमारे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम को देखें कहीं भी किसी भी समय पूरी तरह मुफ्त में। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए, बस अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च करें द जॉन एंकरबर्ग शो। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे Q&A वीडियो को भी देख पाएंगे जहां संसार के महान विद्वान जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। आप इन सारे स्रोतों को मुफ्त में पा सकते हैं हमारी वेबसाइट के द्वारा भी, jashow.org पर। यहां पर हमने 8000 से ज्यादा आर्टिकल्स रखे हैं जो यीशु के अस्तित्व के बारे में सबूत देते हैं और उसके पीछे चलने का मतलब क्या है। अगर विश्वास के बारे में आपके पास मुश्किल सवाल हैं तो इसे देखना बहुत ही अद्भुत होगा। हालांकि ज्यादातर भाग इंग्लिश में, लेकिन ऐसे बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं जो तुरंत आपके लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि आप बहुत से मुश्किल परिस्थितियों में से जा रहे हैं और आपको प्रार्थना करवानी है, तो स्क्रीन पर दिए गए इस फोन नंबर पर अभी आप फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की ऐसी टीम है जो आपसे बातें करके आपके लिए प्रार्थना करना पसंद करेगी। यदि आपके कोई सवाल है तो जवाब देंगे। अगर इस प्रोग्राम के दौरान परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है या जीवन के किसी क्षेत्र में आपकी कोई जरूरत है, तो कृपया करके हमें फोन करने के लिए बिल्कुल न हिचकिचाएं। शायद आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने ये जाना है कि यीशु ही परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया गया मसीहा है। अगर आप अपने पापों के लिए उसकी क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर फोन कीजिए, हमारी ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। और तब तक प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी।